अध्याय एक के अंतर्गत जो हम देख रहे थे गैर व्यावसायिक संस्थाओं का लेखांकन, इसके अंतर्गत हमने अभी जाना गैर व्यावसायिक संस्थाओं से आशय, आय व्यय के स्रोत और व्यावसायिक गैर व्यावसायिक संस्थाओं में अंतर और प्राप्ति भुगतान खाता क्या है। आइए अब हम देखते हैं कि रोकड़ खाता एवं प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर क्या है, प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएँ क्या हैं, साथ ही प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप किस प्रकार से तैयार किया जाता है और कुछ व्यावहारिक प्रश्नों के हल। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं रोकड़ खाता और प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर क्या है। तो रोकड़ खाते एवं प्राप्ति भुगतान खाते में समानता होते हुए भी कुछ विशिष्ट अंतर हैं। यहाँ हमने देखा था कि रोकड़ खाते में जो है विस्तार से अध्ययन किया जाता है और वहीं प्राप्ति भुगतान खाते जो है वो रोकड़ खाते का क्या है सारांश है। तो कुछ अंतर जो इसमें यहाँ प्रमुख हैं वो हैं संस्थाएं। रोकड़ खाता जो है ये व्यापारिक और गैर व्यापारिक संस्थाएं दोनों के द्वारा बनाया जाता है। वहीं प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो सिर्फ गैर व्यापारिक संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, अलाभकारी संस्थाएं ही बनाती हैं। डेट की बात करें तारीख, रोकड़ खाते में व्यवहार के साथ ही तारीख भी लिखी जाती है, अर्थात जिस तारीख को व्यवहार हुआ, जिस तारीख को हमें प्राप्ति हुई या जिस तारीख को हमने भुगतान किया उसी तिथि में उस व्यवहार को वहां पर तत्काल लिखा जाता है। जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में एक निर्धारित अवधि में जो है शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भुगतान और प्राप्तियों को लिखा जाता है, तो इसमें तारीख केवल शीर्षक के साथ ही देनी होती है। सारांश की बात करें तो रोकड़ खाता जो है किसी का सारांश नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें जब जब भुगतान किया जाता है या जब जब जो भी प्राप्ति होती है उसको लिख दिया जाता है, तो ये सारांश नहीं है। जबकि प्राप्ति भुगतान खाता जो है रोकड़ बही का सारांश है, क्योंकि एक निर्धारित अवधि में बनता है, अतः रोकड़ बही के आधार पर उसकी समरी तैयार करके उसको प्राप्ति भुगतान खाते में सिंगल सिंगल मदों के अनुसार लिखा जाता है। तो ये क्या है रोकड़ बही का सारांश। चौथा बिंदु है शीर्षक विभाजन। रोकड़ खाते में सभी व्यवहार विस्तार पूर्वक लिखे जाते हैं, अर्थात उनका प्रकृति के आधार पर विभाजन नहीं किया जाता, जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में सभी व्यवहारों को अलग अलग शीर्षकों में विभक्त करके बांट बांट कर लिखा जाता है। खाता रोकड़ खाते के अंतर्गत जो है प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है, अर्थ और प्राप्ति भुगतान खाता की सहायता से जो है आय व्यय खाता बनाया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रोकड़ खाते की सहायता से अगला खाता प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है और प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से आय व्यय खाता बनाया जाता है। लेखों का करने का जो क्रम है वो रोकड़ खाते में सभी व्यवहार जो है क्रमशः तिथि या डेट के अनुसार लिखे जाते हैं, जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में जो है लेखे डेट वाइज या तिथिवार नहीं होते, अगले बढ़ते क्रम में होते चले जाते हैं। शेष निकालना, रोकड़ खाते का जो शेष है वो प्रतिदिन ज्ञात किया जाता है। जब हम प्रतिदिन के पृष्ठ को क्लोज करते हैं तो जो भी रोकड़ खाते का शेष है वो हम प्रतिदिन निकालते हैं, जबकि प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो वर्ष के अंत में जब ये खाता बनाया जाता है तब शेष ज्ञात किया जाता है। लिखने की अवधि जो है अगले बिंदु के अंतर्गत, रोकड़ खाता जो है प्रतिदिन तैयार किया जाता है, जबकि प्राप्ति भुगतान खाता जो है वर्ष में एक बार या निर्धारित अवधि में एक बार तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जाना रोकड़ खाता एवं प्राप्ति भुगतान खाते में समानता होते हुए भी उनके बीच में आपस में क्या क्या अंतर हैं, इनको हमने प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं या जब हम प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करते हैं तो समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनमें है सबसे प्रथम शीर्षक। खाते के ऊपर सर्वप्रथम शीर्षक के अंतर्गत उस संस्था का नाम लिखा होता है और दूसरी पंक्ति में प्राप्ति भुगतान खाता किस अवधि से किस अवधि तक बनाया जा रहा है इसको लिखा जाता है। दूसरा बिंदु प्रारंभ जो है, इस खाते के प्रारंभ में पिछले वर्ष के अंतिम रोकड़ शेष को सबसे पहले लिया जाता है, फिर इसके पश्चात प्राप्तियां,
समस्त प्रकार की पूंजीगत व आगमगत प्राप्तियां डेबिट पक्ष की ओर लिखी जाती हैं। चौथा बिंदु भुगतान का है, इसमें समस्त प्रकार के जो भी पूंजीगत या आगमगत मदों के लिए जो हमने भुगतान किया है उसे क्रेडिट पक्ष की ओर लिखते हैं। प्रविष्टियों को लिखते समय खाता बनाते समय ये ध्यान देना होता है कि जो भी भुगतान किए गए हैं या जो भी प्राप्तियां हैं वे किसी भी वर्ष की हों उन्हें लिखा जाता है। तो यहाँ पर यह ध्यान दिया जाता है कि जो भी प्राप्त हुआ है या जो भी भुगतान किया गया है वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो तो उसे लिखा जाता है। तो जो भी प्राप्तियां भुगतान चाहे वे पूंजीगत हों या आगमगत हों उन्हें लिखा जाता है। मुख्य रूप से यह है कि जो भी प्राप्त हुआ है और जो भी भुगतान किया गया है उसका लेखा किया जाता है। अगला बिंदु रोकड़ बही का यह संक्षिप्त रूप है। प्राप्ति भुगतान खाता जो है रोकड़ बही का क्या है, सारांश है, अतः इसको पुस्तपालन एवं लेखा कर्म का अंग नहीं माना जाता। इसके आधार पर प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर आय व्यय खाता बनाया जाता है। अगला बिंदु पूंजी एवं आगम, चूंकि इसमें समस्त प्रकार के पूंजीगत एवं आगमगत भुगतान और प्राप्तियों का लेखा होता है अतः इसके आधार पर तलपट या चिट्ठा नहीं बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद समायोजन, तो प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजन नहीं होता, इसमें ह्रास अशुद्ध ऋण अदत्त व्यय आदि इनका समायोजन नहीं होता, अतः जो है शुद्ध रूप से लाभ हानि का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता। और अंतिम बिंदु अंतिम रोकड़ बाकी, इस खाते का अंत क्रेडिट में रोकड़ बाकी से होता है जो इस वर्ष के अंतिम रोकड़ बाकी को बताता है और इसके आधार पर आर्थिक चिट्ठा भी तैयार नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जब हम प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं तो इन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर हमारे सामने प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप सामने, जैसा भी मैंने बताया कि संस्था का नाम, तो यहाँ पर संस्था का नाम जो भी है उस संस्था का नाम लिखेंगे, उसके नीचे प्राप्ति भुगतान खाता और यहाँ पर किस अवधि से किस अवधि तक के लिए ये खाता तैयार किया गया है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। दो पक्ष हैं डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट में जितनी भी समकल प्रकार की प्राप्तियाँ यहाँ पर हो रही हैं चाहे वे पूंजीगत हों या आगमगत हों। दूसरे पक्ष में भुगतान, इसमें समस्त प्रकार के भुगतान चाहे वे पूंजीगत भुगतान हो या आगमगत भुगतान हो उनको लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि प्राप्तियों में किन किन मदों को लिखा जाता है। तो सबसे पहले शेष लाया गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले वर्ष का शेष अर्थात अंतिम रोकड़ शेष इसमें लाया जाता है। इसके बाद अगली मद है प्रवेश शुल्क, सदस्यों के द्वारा जो इंट्रेंस फीस जमा की गई प्रवेश शुल्क जमा किया गया उसको लिखा जाता है। उसके पश्चात चंदा, चंदा किसी भी वर्ष से संबंधित हो लेकिन वो इस वर्ष प्राप्त हुआ है उन सबको योग करके यहाँ पर लिखा जाता है। इसके पश्चात आजीवन सदस्यता शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क जो भी सदस्यों से प्राप्त हुई है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद दान, जो भी दान प्राप्त हुआ हो चाहे वो छोटी रकम हो या बड़ी रकम इसको यहाँ पर लिखा जाता है। फिर लेक्चर, व्याख्यान देने से संस्था को यदि कोई आय प्राप्त हुई है तो उसको लिखा जाता है। फिर विनियोग के ब्याज से संस्था के द्वारा यदि इन्वेस्टमेंट के फलस्वरूप यदि कोई ब्याज प्राप्त हुआ है तो उस ब्याज को यहाँ पर लिखा जाता है। संस्था के द्वारा यदि कोई संपत्तियाँ बेची गई हैं तो जो राशि प्राप्त हुई है वो रद्दी कागज के विक्रय से प्राप्त राशि, साथ ही ड्रामा की टिकटों के विक्रय से प्राप्त राशि या अन्य भी किन्हीं मनोरंजन के साधनों से जो आय प्राप्त हुई वो लिखी जाएगी। और इसके अलावा यदि कोई किराया प्राप्त हुआ है और इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार की कोई प्राप्ति संस्था को हुई है तो उन प्राप्तियों का लेखा यहाँ किया जाता है। दूसरा पक्ष है यहाँ पर भुगतान का क्रेडिट पक्ष, इसमें कर्मचारियों को जो वेतन दिया गया उसको लिखा जाता है एक्जाई रूप से, किराया जो
दिया गया निर्धारित अवधि में उसको इकट्ठा करके लिखा जाता है। इंश्योरेंस बीमा जो की राशि चुकाई गई उसको लिखा जाएगा। वहीं यदि कोई मरम्मत से संबंधित व्यय किए गए उनको लिखा जाएगा। कोई पुस्तकें खरीदी गई उनको यहाँ लिखा जाता है, या अन्य कोई सामग्री खरीदी गई तो उसको भुगतान की गई राशि यहाँ लिखी जाती है। फर्नीचर खरीदा गया उसकी राशि, विद्युत व्यय जो भुगतान किया गया उसको लिखा जाएगा। यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उसको क्रय करने की राशि यहाँ लिखी जाएगी। और भी विभिन्न प्रकार के जो भी आवश्यक व्यय या जो भी व्यय संस्था के द्वारा किए गए उनका भुगतान किया गया, उन समस्त व्ययों को यहाँ पर लिखा जाता है। और इसके आधार पर जो है यहाँ पर हम बैलेंस निकालते हैं कि प्राप्तियाँ हमें ज़्यादा हुई अथवा भुगतान हमारे द्वारा ज़्यादा किया गया। तो ये है प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप। यहाँ पर एक व्यवहारिक प्रश्न प्राप्ति भुगतान खाते का हम देखते हैं, दिया हमारे सामने कि ममता क्लब उज्जैन का जो है प्राप्ति एवं शोधन खाता जो है 21 दिसंबर 2016 को समाप्त तो होने वाले वर्ष के लिए तैयार करना है। तो यहाँ पर जैसा भी बताया था हमने प्रारूप में कि संस्था का नाम हो गया ममता क्लब उज्जैन, उसके बाद पश्चात अवधि यहाँ पर हो गई 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाली अवधि, अर्थात 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 के बीच हमें प्राप्ति भुगतान खाते को तैयार करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 1 जनवरी 2016 को रोकड़ शेष 6,000 रुपये, सदस्यता शुल्क यहाँ पर दी है 9,000 सदस्यों से 5 रुपये प्रति सदस्य लेना था, किंतु 500 सदस्यों से इस वर्ष का शुल्क नहीं मिला और 100 सदस्यों ने आगामी वर्ष 2017 का शुल्क भी दे दिया। वेतन 1,000 रुपये प्रति माह, दिसंबर 2006 का वेतन शेष रहा जो अभी नहीं चुकाया। किराया 1,200 रुपये प्रति माह की दर से मार्च 2017 तक का चुकाया गया। उपस्कर फर्नीचर जो खरीदे गए दिसंबर 2016 में 8,000 रुपये अग्रिम दिए थे, किंतु वर्ष के अंत तक 2,000 रुपये का ही उपस्कर प्राप्त हुआ। सामान्य व्यय जो जनरल एक्सपेंडिचर किए वो 3,000 रुपये हुए, जिनमें 500 देना बाकी रहे। कार्यालयीन व्यय 250 रुपये दिए तथा 100 रुपये देना बाकी है। तो ये प्रश्न हमारे सामने है जिसको हम यहाँ पर हल करेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं प्राप्ति हमें क्या क्या हुई है। तो यहाँ प्राप्ति जो हमारे सामने है एकमात्र मेंबर शुल्क फीस सदस्यता शुल्क के रूप में हमारे सामने, तो प्रारूप के अनुसार हम सबसे पहले तो क्या देखते हैं, जो गत वर्ष का रोकड़ शेष है जो हमारे सामने 31 दिसंबर 2015 को था वो 1 जनवरी 2016 को हमें रोकड़ शेष के रूप में प्राप्त हुआ। तो डेबिट पक्ष में हमने सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 रुपये बैलेंस शुल्क बैलेंस यहाँ पर हमने लिखा। दूसरा यहाँ पर जो प्राप्ति हुई हमें यहाँ पर मेंबरशिप फीस के रूप में सदस्यता शुल्क के रूप में, तो यहाँ चूंकि 9,000 सदस्य हैं 5 रुपये प्रति सदस्य लेना है, जिनमें से 500 सदस्यों से इस वर्ष का शुल्क प्राप्त नहीं हुआ और 100 सदस्यों ने आगामी वर्ष 2017 का शुल्क दे दिया, तो यहाँ हम देखते हैं कि 9,000 सदस्यों का 5 रुपये प्रति के हिसाब से शुल्क जो हुआ वो हुआ 45,000 रुपये। अब इसमें 500 सदस्यों ने शुल्क नहीं दिया है।